हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम करने वाले हैं फुल कवरेज विद स्मोकी आई मेकअप, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को एक चीज़ समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। ये जो भी मेकअप मैं करने वाली हूँ, ये मैंने खुद से सीखा है, खुद की प्रैक्टिस से सीखा है। और येस, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, बट जितना कुछ भी मैं करती हूँ और जितना कुछ भी मैंने सीखा है, आज मैं वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मेरी वीडियोज़ को लाइक करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले प्राइमर और मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा लिया था। ये मेकअप बेस है, किसी भी मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फुल कवरेज देने के लिए मेकअप बेस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यस, मैं यहाँ पे ये पहले मेकअप बेस लगाऊंगी और उसके बाद हम आगे का मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो यस यार, आज ना मैं फेक आईलेसेस लगाने वाली हूँ, जो मैंने पहले कभी खुद से ट्राई नहीं किए, बिकॉज वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं मुझे। बट आज ट्राई करेंगे, देखेंगे कि लगा पाती हूँ मैं या नहीं लगा पाती हूँ। तो यस स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे पहले मैं कलर करेक्टर लगाऊंगी मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। और उसके लिए मैंने ये ब्लेंडर लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर, और इसको मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया है वाटर से, और अच्छे से मैं ये कलर करेक्टर को ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा लाइटर शेड लगाऊँगी कलर करेक्टर से, उसके बाद मैं प्राइमर लगाऊँगी, और उसके बाद अच्छे से अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करूँगी, क्योंकि मैं स्मोकी आई करने वाली हूँ। तो उसके लिए आँखों पर अच्छा बेस लगाना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा लाइटर शेड प्राइमर है और ये फेसेस कनाडा का है। और आज ना मैंने थोड़ा सा लुक चेंज किया है अपना, आप मुझे बताना मेरे इस लुक के बारे में। मैंने आज अपने बालों को ना थोड़ा सा कर्ल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, हल्का सा ही किया है, और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आई हैव वेरी लॉन्ग हेयर, तो अगर मैं उसमें कोई भी हेयर स्टाइल करती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। बट आज मैंने कैसे भी करके अपने बालों को कर्ल किया, और मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट लुक ट्राई करते हैं। तो यार मैं ना ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताती तो रहूँगी, बट हो सकता है आप लोगों को कुछ समझ ना आए, बिकॉज़ ये थोड़ा क्विक होने वाला है। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी बड़ी है और फुल मेकअप करने वाली हूँ, तो यार थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे ज़्यादा शॉर्ट मैं इसको नहीं कर सकती थी, जितना कर सकती थी मैंने किया। प्राइमर लगाने के बाद मैं अच्छे से, और अब मैं थोड़ा सा न्यूड शेड से ना आईज़ को सेट कर लूँगी, ताकि उस पर जो भी कलर मैं अप्लाई करूँ वो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये मैं आई शेडो लगा रही हूँ न्यूड, और इससे अच्छे से सेट कर लूँगी। ये हुडा की आई शेडो पैलेट है, और इसमें से मैं अब थोड़ा सा न्यूड और ब्लैक शेड से अपनी आँखों को कवर करूँगी अच्छे से। बहुत ज़्यादा स्मोकी भी नहीं होने वाला है, सटल आई मेकअप मैं करने वाली हूँ। जैसा मैंने टॉप पहना है ब्लैक, तो थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही करेंगे, बहुत ज़्यादा स्मोकी लुक हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्मोकी लुक दूंगी तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बट आज मुझे कुछ अलग करना है यार, वो ना तो स्मोकी होना चाहिए और ना ही न्यूट्रल, मतलब थोड़ा सा अलग लुक मैं आज देने वाली हूँ। कुछ आई शेडो को मिक्स करके मैं थोड़ा सा मैजिकल क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आई मेकअप बहुत पसंद है, और आई शेडो के साथ मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत सेक्सी लगता है यार। आई लव आई मेकअप। तो ये मैं खुद से एक्सपेरिमेंट करती हूँ, तो मैं इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर ट्राई करने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले ना मैंने थोड़ा सा ब्लैक से थोड़ा सा लाइटर शेड अप्लाई किया था। सबसे पहले मैंने न्यूड शेड अप्लाई किया था, उसके बाद थोड़ा सा लाइटर शेड, ब्लैक का लाइटर शेड, उसको क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता उस कलर का, वो अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने ये ब्लैक कलर आई शेडो, ब्लैक आई शेडो अप्लाई किया है अपने आईज़ के कॉर्नर्स पे, ठीक है। और उसी ब्लैक से अब मैं अपने आईज़ का जो आउटर एरिया है उस पे लगाऊंगी हल्का सा। उसके बाद ये मेरे पास नेवी ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर से मैं इनर कॉर्नर्स को
फिल करूँगी, और जो मैंने आउटर कॉर्नर्स फिल किए थे वो ब्लैक से किए थे, इनर कॉर्नर्स को मैं नेवी ब्लू से फिल कर रही हूँ। तो यस, ये ख़त्म हो गया है। उसके बाद में मेरे पास ये प्यारा सा आईलाइनर है जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी ब्लू आईलाइनर नहीं ट्राई किया है, बट मेरा काफ़ी मन था ये करने का, तो मैंने सोचा चलो ये करते हैं। तो और हाँ, क्योंकि ये लिक्विड आईलाइनर है तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था इसको अप्लाई करने में, बट मैंने कर लिया और वो भी बहुत अच्छे से किया, बहुत आराम से करना पड़ा मुझे, बहुत टाइम लगा इसमें मुझे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से अप्लाई करना था और मुझे परफेक्शन चाहिए होता है हर चीज़ में, और ख़ासकर अगर मैं आई मेकअप कर रही हूँ तो मुझे एकदम परफेक्शन में सब कुछ चाहिए। उसके बाद मैं ना ये थोड़ा सा कंसीलर साइड कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ ताकि ना वो जो मैंने लाइनर लगाया है वो हाईलाइटेड हो जाए। तो यस यार, मेकअप ना सच में एक आर्ट है और आप इसको नहीं कर सकते अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है मेकअप में, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है ना तो मेकअप की नीड सबको होती है। मुझे लगता है आज के टाइम पे मेकअप की नीड सबको पड़ती है कभी ना कभी, और जिनको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है उनके लिए तो यार मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो बहुत पसंद है मेकअप करना। मैं तो ऐसे ही सजती रहती हूँ बिना किसी ओकेजन के, बिना किसी रीज़न के मैं तो सजती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ना किसी चीज़ में तो यार वो चीज़ ना अलग ही आपको मज़ा देती है, वो अलग ही टर्नआउट हो जाती है, आपके हॉबीज़ में कन्वर्ट हो जाती है और आपको फिर मज़ा आने लगता है। और जब आपको किसी चीज़ में करने में मज़ा आने लगता है ना तो मुझे लगता है वही आपका इंटरेस्ट होता है। तो ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ना ट्राई करते रहना चाहिए हमें, ना कभी एक चीज़ पे स्टक नहीं रहना चाहिए कि मुझे तो यही करना है यही करना है, नहीं। जब आप हज़ार चीज़ें ट्राई करोगे ना तब जाके आपको किसी एक दो चीज़ों में मज़ा आएगा और तब आपको एक्चुअल पता चलता है कि यस दिस इज़ माई इंटरेस्ट। तो यस गाइस, मेकअप इज़ माय इंटरेस्ट, आई लव मेकअप, मुझे करना भी पसंद है और करने के बाद जो लुक आता है ना वो भी मुझे पसंद है। मुझे औरों का मेकअप भी करना पसंद है, मैं बचपन से करती हूँ ये, मुझे मेरी मम्मी का मेकअप जो भी मिलता था ना मैं अपनी सिस्टर्स को लगा देती थी, कज़िन्स को लगा देती थी, खुद भी लगा लेती थी। उसके लिए मुझे बहुत मार भी पड़ती थी सच्ची, ट्रस्ट में मुझे बहुत डांट मार सब पड़ी है मेकअप के लिए, बिकॉज़ मेरे घर में अलाउड नहीं था मेकअप करना, बट मैं फिर भी करती थी क्योंकि मैं अपनी आदत से मजबूर थी और क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। और यहाँ मैं अपनी आईज़ को आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी। आज मैं थोड़ा अच्छे से फिल करने वाली हूँ बिकॉज़ मैं थोड़ा सा हैवी लुक दूँगी खुद को, और उसके लिए मुझे थोड़ा अच्छे से फिल करना पड़ेगा आईब्रोज़ को। तो यस, आज यार आज ना मुझे ना कुछ अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आप अंदर से अच्छा फील करते हैं ना तो सच में आप बाहर से भी अच्छे दिखते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा हम फील करते हैं वो हमारे फेस पे झलकता है, तो आज मैं सच में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और इस मेरे पास ऐसा कोई रीज़न नहीं है, विदाउट एनी रीज़न मैं ऐसा फील कर रही हूँ। शायद मैं मेकअप कर रही हूँ इसलिए, और शायद मैं इमेजिन कर चुकी हूँ कि मैं बहुत अच्छी लगने वाली हूँ, तो इसलिए भी मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और हाँ, ये आईब्रोज़ फिल करने के बाद में मैंने दोनों साइड पे ऊपर और नीचे आईब्रोज़ के थोड़ा सा कंसीलर लगाया है ताकि जो मेरी आईब्रोज़ की शेप है वो अच्छे से इन्हेंस होके आए और मेरी आईब्रोज़ शेप में दिखे। कभी ना कभी तो नीड पड़ती ही है मेकअप की, आप हमेशा तो मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुला सकते, ना ही उनके पास जा सकते हो, बिकॉज़ दे आर वेरी कॉस्टली और टाइम भी चाहिए आपको, कॉस्टली भी होते हैं, आप छोटे मोटे ओकेजन्स के लिए उनको नहीं बुला सकते। तो मुझे लगता है कि सबको थोड़ा बहुत मेकअप करना तो आना ही चाहिए, और इतना तो मैं आप लोगों को सिखा ही दूँगी यार कि आप अपना मेकअप खुद कर लो। आई प्रॉमिस यू गाइज, मैं सच में आपको इतना मेकअप तो सिखा ही दूँगी कि आप ब्यूटीफुल दिख सको बिना मेकअप आर्टिस्ट के। अच्छा, ये फेसेस कैनेडा का फेस फाउंडेशन है, यार मैं भूल रही हूँ पता नहीं क्यों। तो यस, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और मैं इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि इसके बाद में ना मैं एक और फाउंडेशन लगाने वाली हूँ। पता है मुझे ना ऐसे मिक्स करके चीज़ें लगाने में बड़ा मज़ा आता है, मैं
कभी भी किसी एक चीज़ से मेकअप नहीं करती, चाहे वो आई शेडो हो, चाहे वो एक फाउंडेशन हो। देखो बहुत ज़्यादा निकल गया, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लूँगी। मुझे इतना लगाना नहीं था लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा निकल गया है तो मुझे लगाना पड़ेगा, कैसे भी करके इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि मुझे ना मिक्स करके चीज़ें लगाना बहुत सही लगता है। डिफरेंट डिफरेंट फाउंडेशंस को मिक्स करके लगाओ तो पता है उससे क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपकी स्किन पे क्या जा रहा है, तो आप अच्छे से जान पाते हो कि आपकी स्किन पे जा क्या रहा है आपके ऊपर। देखो जब तक मैंने कहा ना, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे वर्क कर रही है अच्छे से। तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, ट्राई करते रहो गाइस, क्योंकि ट्राई करने से ही आपको अपना इंटरेस्ट पता चलता है, आपको सब कुछ ट्राई करने से पता चलता है, बिना ट्राई किए कुछ समझ नहीं आता। तो ये भी फेसेस कैनेडा का फाउंडेशन है, ये भी फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो इसको ना मैं ऐसे डॉट डॉट करके लगाऊंगी और इसके बाद मैं इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और हाँ, आज ना मैंने सबसे पहले आई मेकअप किया। मैं आई मेकअप पहले नहीं करती, यूजली मैं बाद में आई मेकअप करती हूँ, पहले फाउंडेशन लगा लेती हूँ, बट आज मैंने सोचा चलो पहले आई मेकअप करते हैं। तो मैंने पहले आई मेकअप किया, उसके बाद में मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया और इसको ना मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ट्रस्ट मी यार, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है आई लेसेस लगाने में, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इधर से लगाती हूँ तो इधर से निकल जाता है, इधर से लगाती हूँ तो इधर से निकल जाता है। आई लेसेस लगाना सच ए डिफ़िकल्ट थिंग यार। अच्छी तरह लग रही है, मैं ना ऐसे करती हूँ, काम करती हूँ जितना मुझे पता है, वो जो सर्फ होता है उसको डाल देती हूँ पानी में। पहले पानी निकाल लो, हाँ बकेट में, हाँ फिर वो डालो उसमें, पहले डिटर्जेंट डाल दो उसमें। ठीक है, कितने कपड़े हैं ये बता। थोड़े से ही है ना, तो थोड़ा ही डालो डिटर्जेंट, बहुत ज़्यादा मत डालो। डिटर्जेंट डाल दूँ? ठीक है, उसके ऊपर पानी चला दियो ताकि वो मिक्स हो जाए। हाँ, मैं ना यहाँ अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि कपड़े कैसे वॉश करने हैं, वो फर्स्ट टाइम वॉश करने वाली है तो उसको नहीं पता था कि कैसे करना है, तो मैं उसको बता रही थी कि कैसे करना है। और यहाँ मैं अपना मेकअप भी साथ साथ कर रही थी और मैं उसको बता भी रही थी। देखो यार, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ और भी घर के सारे काम कर लेती हूँ, तो आई एम ए मल्टी टैलेंटेड गर्ल। मुझे ऐसे हल्के में मत लेना गाइज, आई कैन डू एनी थिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूजा के लिए डिफ़िकल्ट है, पूजा नहीं कर सकती, मैं सब कर सकती हूँ। हाँ जी, तो ये कॉन्टोर है जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, अपने मुंह को ना अच्छी सी शेप देना, इट्स सच ए डिफ़िकल्ट काम, तो ये करना तो बहुत ज़्यादा टफ है, बट कोई नहीं, मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आपको सिखाना ही है। तो इसके लिए ना मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे कॉन्टोर करते हैं। उसमें ना थोड़ा सा मेज़रमेंट लगता है, ये सबके फेस के लिए अलग होता है, किसी के भी फेस के लिए एक जैसा नहीं होता। और हाँ, सबको अपने फोर हेड को कॉन्टोर नहीं करना होता है, बिकॉज माय फोर हेड इज़ थोड़ा सा ब्रॉड, तो मुझे इसलिए उसको कॉन्टोर करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आपका फोर हेड छोटा है तो आपको कॉन्टोर नहीं करना है। तो जिन लोगों का फोर हेड थोड़ा ब्रॉड होता है उन लोगों को उसको कॉन्टोर करना पड़ता है। बाकी चीक्स को कॉन्टोर करना तो सभी करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, उसमें थोड़ा सा मेज़रमेंट लगता है, तो आई टीच यू गाइज, डोंट वरी अबाउट इट, आई टीच यू एवरीथिंग। ठीक है, अच्छा ये साइड में थोड़ा सा मैंने कॉन्टोर लगाया है,
लगता कि मेरी नाक की शेप जो है वो अच्छे से दिखे, आई मीन सेक्सी दिखे यार। और ये थोड़ा सा लिप्स के नीचे लगाऊंगी, इसके बाद मैं ये ब्लश लगाऊंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है ब्लश लगाना। उसके बाद स्माइल करना, वो भी बहुत पसंद है। स्माइल करते रहो यार, हंसते रहो, ज़िंदगी है, एक लाइफ है आपके पास, ख़त्म हो जाएगी। हालांकि मैं ये आप लोगों को एडवाइस दे नहीं सकती क्योंकि मैं हमेशा स्माइल नहीं करती, मैं जब ब्लश लगाती हूँ तभी स्माइल करती हूँ शायद ऐसा ही है क्योंकि मैं ऑल टाइम स्माइल नहीं करती। अच्छा, लिप्स को फिल कर लेते हैं यार। ये न्यूड लिप लाइनर है, इससे मैं अपने लिप्स को अच्छे से फिल करूँगी और उसके बाद मैं लगाऊँगी एक ग्लॉसी लिप ग्लॉस। यार लिप ग्लॉस तो ग्लॉसी होता है, आई एम सो सॉरी। उसके बाद में मैं लिप ग्लॉस लगाऊंगी, आज मैं लिपस्टिक नहीं लगाने वाली हूँ, लिप ग्लॉस लगाने वाली हूँ। और हाँ, उससे पहले अगर आप लिप ग्लॉस लगाएं या लिपस्टिक लगाएं, आपको लिप्स को अच्छे से फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं ये लिप ग्लॉस लगा रही हूँ। वाओ, लुक एट मी, लुक एट मी, मेरा तो आय है, मैं खुद से नज़र नहीं हटा पा रही हूँ, खुद से नज़र नहीं हटा पा रही हूँ मजाक कर रही हूँ यार। अच्छा, ये हाइलाइटर है, अपने गालों को थोड़ा सा हाइलाइट कर लूँगी हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है यार, पूरा मेकअप ख़त्म हो जाता है, तो ये फिनिशिंग टच देने के लिए हाइलाइट करना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने इतना प्यारा मेकअप किया है तो अब हाइलाइट करना तो बनता है। अपनी नाक को, अपने गालों को हाइलाइट कर लूँगी अच्छे से और उसके बाद मैं सेक्सी सेक्सी सी फ़ोटोज़ खींचूंगी जो मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूंगी। आप लोग देख लेना कि मेरी पिक्स कैसी आई हैं और प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सच में सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कमेंट किया करो आपको क्या देखना है, क्या चाहिए, मैं क्या करूं आगे, मुझे बताया करो प्लीज़ प्लीज़। और हाँ, बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इतनी मेहनत से मैंने मेकअप किया, इतनी मेहनत से मैंने फेक आईलेसेस लगाए यार, प्लीज़ मुझे कॉम्प्लीमेंट दे देना, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अच्छा देखो, मेरा मेकअप हो गया है, कैसी लग रही हूँ मैं प्लीज़ मुझे बताना, अच्छी लग रही हूँ ना? वाओ, टच वुड। तो गाइज़, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।